ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ, 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 सत्यम शिवम सुंदरम, ओ, 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 सत्यम शिवम। दोनों हाथ उठा करके दोस्तों, बड़ी दुविधा हो गई है। इस बार मैं चाहता था कि आपको मैं वीडियो का अपडेट दूं, बालटाल से दूं, बट मेरे को यहीं पे बेस कैंप पे कैमरा ओपन करना पड़ा और आपको बताना पड़ा। देखो, सबसे पहले तो मैंने इस बार बीच की कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरा ये मानना था कि इस बार मैं आपको सीधा दर्शन के लिए ही लेके जाऊँ, और मुझे अब ये थोड़ा हो चुका है कि जैसे कि आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले दिल्ली से, मैं बालटाल का आपको सफ़र बता रहा हूँ, दिल्ली से मैंने दुरंतो एक्सप्रेस करी थी सराय रोहिल्ला से। 10:30 का टाइम था और पहुँचने का टाइम था सुबह 7:30। 7:30 पहुँच के मैंने सबसे पहले अपना IRFD कार्ड बनवाया। IRFD कार्ड करने के बाद हम लोग लोकल टैक्सी देखने लग गए। लोकल टैक्सी के रेट बहुत हाई थे, तो हम फिर सीधा भगवती विहार से हमने एक टेम्पो ट्रैवल किया 17 सीटर, और 1000 रुपये पर हेड पड़ा, और हम वहीं से अपना ये लाल चौक के पास एक बेस कैंप है, वहीं पर रुके पड़े क्योंकि टाइम हो गया था और हमें 4 बजे से पहले पहुंचना था वहाँ पे। हम 4 बजे के बाद निकले तो थोड़ा हमें बेस कैंप पर रुकना पड़ा, और अब हमारी कल की यात्रा स्टार्ट होगी दोबारा से लाल चौक से यहीं से ही, और जाएगी वो सीधा बालटाल से हमें अपना यात्रा स्टार्ट करना है। फिलहाल ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बहुत ही मैसअप था, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया। बाकी बाबा के दर पे आ चुके हैं, बाबा बर्फ आने के, और अब मैं आपको एक एक चीज़ अपडेट दूंगा। अभी मैं खाना खाने जाऊँगा भंडारा पे, भूख लगी है बड़ी तेज। और ये यहाँ के नज़ारे, ये हमारी आर्मी, ये हमारे यात्रीगण, ये बेस कैंप है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, आपको अभी दिखाऊंगा मैं। ये हमारे सिपाही लोग, ठीक है, और यहाँ से मैं वॉशरूम की चीज़ें देखूँ कहाँ पे है। और ये है हमारी CRPF की धमाकेदार रक्षा करने वाली गाड़ी। फिलहाल अभी वॉशरूम देखता हूँ कहाँ पे है यार। लोग, कैसा सर आपका सफ़र? अरे बहुत, बताओ। थका हुआ था। कहाँ पे रुके तुम अचानक? ये हम रुके जी पंथा चौक, श्रीनगर लाल चौक के पास। क्यों? क्योंकि बालटाल क्यों नहीं गए? हमें आगे जाने नहीं दिया। क्या टाइम था? 4 बजे की टाइमिंग थी और हम लेट पहुंचे। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी मैं चाय पी के आया हूँ, खाना है नहीं, खाना मिलेगा 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद, अच्छा। और ये वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है? वॉशरूम वगैरह आप इधर जाओगे ना, बस के आगे कट है। कौन सी वाली बस? ये जो जय माता, ये वाली, हाँ लिखा हुआ है, हाँ उसका आगे कट है। जब सीधे जाओगे ऐसे ऐसे थोड़ा सा घूमोगे आगे जाते, हाँ वहाँ पे डब्बे से लगे हुए हैं, हाँ सुसु करने और पोटी करने के वहाँ पे टॉयलेट लिखा, सब पे लिखा हुआ है टॉयलेट कौन सा बाथरूम। थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। प्रॉपर मेरठ से है सर। ये हमारे भाई लोग हमें मिले टेम्पो ट्रैवल पे, कैसे भैया? बढ़िया मस्त। कैसा रहा सफर? एक नंबर का मस्त। यहाँ पे कहाँ रुके? यहाँ पे बेस कैंप पे CRPF वालों के। कल का प्लान है? कल का प्लान है, देखते हैं, बालटाल के लिए निकलते हैं। बाकी फिर बाबा
बर्फानी की बाबा के ऊपर है बस। जय बाबा की। अभी हम जा रहे भाई भंडारे में, देख के यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें। मतलब अपने लिए बनाते हैं लोग जो है ना। हाँ डीसी ऑफिस भाई लोग। जय हिंद सर, थैंक यू सर हमारी सेवा के लिए। अरे भाई भंडारे में देखे क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे अच्छा है भाई भंडारे में भी चाय है, खाना हमारी सेवा लगी हुई है भाई चाय पानी के लिए बिल्कुल। और खाना खाने का टाइम है 7 बजे का। ये हमारे साथी राजेश कुमार, कैसे सर? डीसी ऑफिस कुरुक्षेत्र। अरे क्या बात है। हेलो सर, ये भी हमारे साथ टेम्पो ड्राइवर में थे, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इनके साथ, काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए आए। देखो हमारे सेवाकर्मी। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये हमारे सेवा में जय भोले। सामने की इधर शाम को होगा भंडारा भाई अपना। ये हमारे यहाँ पे भंडारा करते हैं। जय भोले। ये भोले बाबा जी कल मिलेंगे। भोले बाबा से बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है, बहुत ही मेहनत लगी है भाई सेटअप करने में भी, बहुत से लोग लगे पड़े हैं। हेलो प्रधान जी, जय बोले। ये हमारे सेवाकर्मी इतनी मेहनत से हमारे लिए बना रहे हैं। जय बोले, जय बोले। ये हमारे सेवाकर्मी बहुत ही मेहनत से लगे पड़े हैं। थैंक यू। 7 बजे करीब भंडारा स्टार्ट होगा। जय बोले, जय बोले। भाई साहब सब मेहनत करने में लगे पड़े हैं, अब कल तो हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा भैया, चढ़ाई पे चढ़ना ही पड़ेगा, बिना चढ़े काम नहीं चलेगा। ये हमारे कुछ और भाई लोग सेवा में। जय भोले भाई, बाबा ब्लेस करे आप लोगों को। जय भोले। लेके अपना भाई, ये अपना बेस कैंप जहाँ पे हम विश्राम कर रहे हैं। ये देखो सारे अपने भोले विश्राम करते हुए, नए गद्दे पुराने गद्दे हर चीज़ के गद्दे लगे पड़े हैं। जय भोले। ये हमारे फ्रेंड लोग हमारे साथ आए थे टेम्पो ड्राइवर में। कैसा रहा सफर सर आपका? बहुत बढ़िया। और चाय लड्डू खा लिए? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई साहब, लड्डू में तो इतना मज़ा आ रहा था। बाकी बहुत मेहनत करके सेवा वालों ने बाबा अच्छा बना रखा भाई। हाँ ये दिखा दे ना, काफी खतरनाक है, लेकिन कह रहे पानी आ सकता है, कहाँ से आओगा पानी, मुझे नजर में भी नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं यार। अरे भाई इतनी मेहनत कर रखी है, अगर एक दो नुस्खे निकल गए तो क्या दिक्कत है। स्टार्ट होने का भंडारा स्टार्ट हो चुका है, देखते क्या क्या है भंडारे में। ये हमारे सेवाकर्मी लोग जय बोले। यहाँ पे मिलते हैं ठीक है। काफ़ी अच्छा बना रहे किया हुआ है हमारे सेवादार ने, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जय बोले, इनको ब्लेस करें। ये हमारे भाई सेवा करते हुए। जय बोले भैया, जय बोले। बाबा जी का क्या
सर आधे हर हर महादेव और भी आधे और भी आधे और भी आधे और भी बस हमने आपसे एक सेट चावल एक सेट दाल चाय बोले भैया यहाँ पे डाल दो बस चलते रहो बोले चलते रहो सर एक एक कितना डाल दो हमारे सेवा कर्मी बहुत मेहनत करते हुए यार बाबा जी ब्लेस करें आप सबको दो रुपये बस सर एक ही रखना अभी ये ले लेंगे बाद में 200 रुपये बाद में क्या ये मीठा जा रहा है थोड़ा डाल दो इसमें थोड़ा सा और दे दो और एक ये मिक्स है एक दे दो सर यही डाल जय बोले भैया हम तो भाई आप बोलेगा भंडारा खा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं आपको बताता हूँ काफ़ी यम्मी खाना है संत चौक के बेस कैंप से और अब हम जा रहे हैं सीधा बालटाल और अब बालटाल के लिए हम जा रहे हैं कार्रवाई के साथ ये हमारी बस के मेंबर्स और शंकर भगवान की तो भाई साहब हम जाके ना आपको बाहर टाल का दृश्य दिखाएंगे और ट्रैकिंग हमारी कल से स्टार्ट होगी और आज हमें बेस कैंप पे रुके काफी मजा आ गया भाई क्या बात है और एवं मैं आपको कार्रवाई के दृश्य दिखाता हूँ यार भाई साहब सरदार ने Swag.
या बाल टाल से आ रही है ये देखिए, ये है कानवाई जो बालटाल से सुबह चली थी और ये हमें रास्ते में मिली है। बहुत लंबी कानवाई है। बाजार ये चिकन की जगह तेरे फूल लटकाओगे।
फूल गोभी बाजार था यहाँ की, मैं लोकल वीडियो ले रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे का रहन सहन कैसा है। सुंदर एरिया है यार, एक फोटो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई क्या फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, तो मस्त जन्नत। एक फोटो कहते भाई तेरे भाई की यहाँ पे, भाई भाई की भी रुक जाओ, सेल्फी ले आएगा पहले वीडियो। हाय वाह यार, जन्नत में हूँ कसम से अभी तो भाई। एक घर मिल जाए, एक जमीन मिल जाए ना यहाँ, यहाँ 10 साल एक्स्ट्रा जी लूँगा मैं। 10 साल क्या, बीवी होगी तो फिर तो 20 भी चलेंगे। यो मन्ना कोई बोर्ड कास्ट में बोल रखा है। वाह यार भाई, ला तेरी फोटो लो।
देखिए गगनचुंबी पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिषेक टोंडर। ये देखिए ग्लेशियर इधर रेल के नीचे आ रहे हैं। ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी हमको, आपको भी ठंडी हवा महसूस हो रही होगी, होएगी, देखते रहिए आप। गंदी बात रही वीडियो में, गंदी बात। क्या कर दिया हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ठीक है, तो चलेंगे भाई। ये देखिए कितना सुंदर व्यू, ऐसा व्यू आपको कभी नहीं मिलेगा। ये है सोनमर्ग, और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पुलिया है। ये देखिए कितना प्यारा पुलिया, ये देखिए पीछे का मौसम, ये देखिए। व्यू देखिए, अच्छे अच्छे व्यू, ऐसे व्यू तो आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। जो सोनमर्ग में पिक्चर है ना, पिक्चर तो बालटाल 19 किलोमीटर है ना।
बस का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने हमें 6 किलोमीटर नीचे उतार दिया है और यहाँ पे हमारी बसों को रोका जा रहा है और ये भोले ने फ्री सेवा चलाई है। अब हम इसमें जाएंगे बैठ के बाल तक, फ्री सेवा लिखी है भाई, जय बोलेगी। काफ़ी देखते हैं अब इनका एक्सपीरियंस कैसे कैसे रहेगा। चलो ऊपर मैं आपको सारी रिपोर्ट करता हूँ।
एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा भाई, हमें स्पीरी बस सेवा ने उतार दिया है बेस कैंप से थोड़ा पीछे, और हम पैदल चल के जा रहे हैं अपने बेस कैंप चेक पोस्ट, और वहीं पे जाके हम थोड़ा बेस कैंप लेके अपना विश्राम करेंगे। ये मेरे साथी गण, कैसा लगा सर सफर आपका? सर अभी यहाँ से कितनी दूर है बेस कैंप? 300 मीटर हो। 300 मीटर और है सर। अभी हम यहाँ पे सब कुछ रेडी वेडी कर रहे हैं, और यहाँ पे कैमरा अपना रखना बैग में, बाहर मत निकालना। और ये सामने देखो, 300 मीटर आगे का आरएफडी कार्ड है। ये हमारे साथी गण, कैसा था सफर आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आपके साथ भी अच्छा लगा। वाह क्या बात है, ये भी भाई मेरी दिल्ली गई है। चल रहे, चलो बस अब आगे की रिपोर्ट मैं आपको अब आगे दूंगा, ठीक है? इन टेंट पे आज हम विश्राम करेंगे। जय बोले, ये हमारे सेवाकर्मी। भैया कैसा रहा सफर? अब बताओ। बहुत बढ़िया रहा भाई। बताओ बताओ जर्नी, जर्नी बताओ। शिवनी बाबा जी के क्या हाल है? शिवलिंग जी थोड़े से अब घटते जा रहे हैं, यानी कि हमें तो कल फिर क्योंकि ये जो गर्मी दिखाई दे रही है, हवा खराब करने वाली गर्मी दिखाई दे रही है, बहुत तेज। लास्ट टाइम यही हुआ था, लास्ट टाइम भी दर्शन नहीं हुए थे मुझे। 18 जुलाई को गया था तब तो मैं। अगेन एक साथ जाओ, सारे रिश्ते ने करवाने, एक साथ जाओ, एक साथ जाओ। इनका फोन फूके ना, सबको एक साथ मीटिंग मिलने से फोन करा था जैसे उस दौरान मेरा फोन हो गया। फोन तो हो गया नहीं तो मैं इसके पास गया था। ये अभी अभी ये असलियत बताऊं, और देख कैसी ये कैसी खूबी है। जब भी मैं उस दुकान पे गया ना और लोहा खरीदने गया, मेरे फोन मतलब जेब में से फोन लिकड़ा ही लिकड़ा है, दो पर चांस हो रही। और इस बार भी निकल गया चोरी, उस टाइम भी चोरी हुआ जिस टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। रजिस्ट्रेशन तो एक हफ्ता पहले की बात है, मतलब यहाँ पे होगी। अच्छा वहाँ पे पोकल सान पत्थर का है, बीच चौथे का वो भी बारे सुन रहे कैसे पड़े हैं वो। मैं एक बार 1000 रुपए का दिया था जब। देखो मैंने काम का बड़ा दुख सा हुआ। देखो मैंने रजिस्ट्रेशन मैं मेडिकल करवाए थे, सब करवाए थे, हमने दिया भाई 5500 रुपए दिए, हमें कुछ नहीं बिगड़ा पाना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो घर पे उनने पूछा मैं घर से ले जाऊंगी मेरे कागज, मेरे वहां पूरी लग गए सब मुझे प्यार करने के बाद खराब हो गए। मैंने बोला अभी ले, मैंने फार्म निकाले और भर के वो था मेरे साथ, मक्का दे जा के मेरे वहां से लिए पेट खराब हो गया, कुछ खाया नहीं था यहाँ, चाय पी के कुछ नीचे खा लेंगे ना यहीं से, कुछ ना खाया खाने चाय पीने, फिर ऊपर खाते चले जाओ यार, खाते हुए चलो रस्ते में। कोल्ड ड्रिंक बहुत सबसे बढ़िया है, मैं तो बताता हूँ वो क्या नाम लिखमा वो लिमका लिमका से बढ़िया कोई चीज। अच्छा तेरे ससुरे पैसे सभी छोड़ जा रखा मेरे यार, तेरा फोन कर लग रहा है, कहाँ है तेरा फोन? फोन में सीन है। रास्ता रास्ता कैसा बन रहा? वही रूम तो था यार, ठीक है हमारा, वो सीन में लग गया यार, सीन में लग गया, छोड़ा कर दिया यहाँ से, छोड़ा कर दिया हमने, बढ़िया है यहाँ पे। चलो हमने कोई भीड़ भाड़ से ऐसे कुछ, ये ठीक है 10-15 मिनट में इकट्ठे हो गए ना, गुफा में कैसी भीड़ थी यार? ठीक है ना, बढ़िया थी भीड़, ठीक है बढ़िया थी। कोई दिक्कत है बता, मैंने बनाया मेरा भाई, नहीं इसके लिए बढ़िया थी ये, बेटा लेकिन मेरे जब मैंने दर्शन करे इससे पहले आराम से दर्शन था। अच्छा आपने पहले ही कर लिए थे, मतलब उसी दिन या उसी दिन जो लेना ले ले, टाइम टाइम अलग आगे पीछे हो गए थे ना। भगवान को कह लगे पहले 4 बजे बंद कर देंगे, 4 बजे बंद कर देंगे, और भाई वहाँ खड़ा कहा रखू बैग, भंडार में हम खाना खाने जा रहे हैं, बड़ी तेज भूख लगी है यार, मौसम अभी चेंज हो चुका, अभी धूप निकल रही थी। इसके अंदर क्या चलेगा? अच्छा क्या दिखा रहा? अरे भाभी का फोन है, ये तो कह आ जाओ आ जाओ। तेरी नेत्रा सावक समिति महादेव,
अब भाई हम करेंगे पेट पूजा भंडारे में, बट तेज भूख लगी है रे बाबा। बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ भाई, बहुत बढ़िया। लाइन लग रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। ये भाई हमारे आज तक में आए थे, कैसे लग रहा भैया आज तक में आ गया? लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा। सीमा थोड़ा तो हो गया। मेरे साथ ही गण खाना खाते हुए, कल हमारी चढ़ाई है भैया। बाकी और भी बोले, विश्राम कर रहे हैं आज। जय बोले, जय बोले, जय कीवी, कीवी। अच्छा कीवी है, कीवी ऐसे कर रखी है। बादाम मास्टर दिल्ली में, ये इतना था यार दिल्ली में खड़ी बावली। सुबह मैं 3 बजे से लाइन में लगा हुआ था, और आपको मैं बता दूंगा आपको भी 3 बजे से लाइन में लगना है। कोई आपको ये बोले 6-7 बजे लग जाओ, 7 बजे लग जाओ, जय बोले, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। आपको 3 बजे रेडी होकर आपको लाइन के अंदर आना ही पड़ेगा। और हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी भाई, जय बोले। बस अब यहाँ से बाबा के दर पे ही मिलेंगे। ये हमारे साथी तेरे बैग के अंदर रख दो, यहाँ पे तेरे बैग के बीच में रख दो। हाँ अब ना पड़े यार भाई, लिखा हुआ है 30 रुपए की ली है मैंने छड़ी, ठीक है। और खाने पीने का आपको कुछ भी नहीं लेना देना, खाने पीने का आपको सब कुछ यही मिलेगा। बस आप थोड़ा धीरे रखेगा, आपको पानी की बोतल ही मिल जाएगी, ठीक है। अभी मॉर्निंग के क्या टाइम हो रहा भैया? 5:20 हमने यात्रा स्टार्ट कर दिया ब्रेकफास्ट करके, और बस अब तो जय बोले गुन गाते रहेगा, और आपको हम सारा
अपडेट देते रहेंगे भाई। टॉफी 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 जय बोले जय बोले। अलग अलग भंडारे यार, बहुत सेवा है, बहुत सेवा है। यहाँ पे भी अब थोड़ा सा हाल केदारनाथ बाबा की तरह होता जा रहा है, भीड़ ज्यादा है। पालकी वाले, घोड़े वाले और इधर हम बाबा। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर यार, मेरे पे तो सारे हैं यार, एक दो और। जय महादेव। और अब क्या कर रखा है, पूरी भीड़ ही भीड़। ये लाइन लगी हुई है चेक चेक पोस्ट की, ये चेक पोस्ट की लाइन है क्या सर? फोटो फटे ऊपर बहुत मुख्य होंगे। ये क्या है, दिखाओ वो, दिखाओ आगे देख लाइन देख। ये लाइन किस चीज की है भाई? ये लाइन देख लो खतरनाक वाली। एक बार यहीं से साथ निकल लो बस भाई यार। पहली बार मैं बता दूं कि आज सोमवार है और पहली जुलाई है, इसलिए और आज ये तीसरा जत्था है। और हाँ, कह रहे कि पहले दिन भी इतनी भीड़ नहीं, लेकिन आज इतनी भीड़ है, ये देखो जबरदस्त। चिंता मत कर, तुम्हारा भाई तुम्हें अपडेट देता रहेगा भाई साहब। भाई साहब लग रहा है कि आज ये भीड़ हमें 7:30 बजे ही बैठा देगी। तीस वाले, 1 तारीख वाले सारे आज हमारे साथ हैं। दोनों पाजी जलंधर वाले हटा यहाँ से, और भीड़ कतई गहरी भैया। ओ भैया चढ़ाई चढ़ाई भाई, यहाँ से तो आज कसम से केदारनाथ से भी खतरनाक वाला हाल किया हुआ है। आज सोमवार भी यार जबरदस्त भीड़ है। इधर सर मोड़ा, इधर कैमरा, इधर सर, जबरदस्त भीड़ भाई, जबरदस्त। ऐसे जाना है हमें,
शेल्टर साइड चल लो रे आज का हिसाब किताब क्या है भाई ऊपर की लाइन दे लाइन और मुझे लग रहा है ऊपर तक आज ऐसी ही लाइन है संगम चौक वाली लाइन लग रही है तो चढ़ाई होने वाली है स्टार्ट स्टार्ट तो हो चुकी है आपको मैं भाई सिर्फ यहाँ से 12 किलोमीटर है तो 12 लेकिन 12 दिखा देगी ये लिखा हुआ है रेल पथरी भी 2.5 किलोमीटर है एक लाइन बनाओ एक लाइन चाचा बड़ाड़ी मार्ग 5.5 जंग साइड से चलो जय भोले भाई ऐसी भीड़ ना देखी अगर रुकोगे तो घोड़े के नीचे आ जाओगे अरे छोड़ लाइव दर्शन दिखा रहा जी लाइव आपको बिल्कुल लाइव 1 किलोमीटर तो आ चुका हूँ थोड़ा है कठिन बट आपको आने के लिए जब भी आपका अमरनाथ का प्लान बने तो आप 2 महीने प्रैक्टिस करके आइएगा ताकि थको ना ठीक है ये सबसे अच्छी मेडिसिन है इसी को ध्यान में रखना तुम्हारा भाई आया ऐसी बिना पर रख के आज भीड़ ज़्यादा दोस्त जहाँ पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ था वहाँ पे चेक पोस्ट था क्योंकि चेकिंग होती है तो कैमरा अलाउड नहीं वहाँ पे ये थोड़ा सा इतनी ऊपर तो आ चुके हैं फिलहाल बस यहाँ पे ध्यान रखना गंदगी ना फैला है हर हर शंभु शंभु ये चीज खराब है ये मैं ढलान आती है ना तो पैरों पैसे करती है ये तो चढ़ाई हो तो बस चढ़ाई हो ऐसे ना हो ऐसे और बेकार हो जाओगे मत तुम्हारा भाई चीता है डोंट वरी जय हिंद सर अरे थक गया क्या चलता क्यों नहीं आगे को अरे इंतजार में हूँ मैं तो तुम ही धीरे चल रहे
पंगर बता दे कभी या फिर रुक रहे हो? हमारे कुछ साथी पीछे रह गए मेरे इंतजार में यार। केले खाओगे? अरे ना दी मिलेगी, रुको तू फोन कर ले, मैं देर आ गई हूँ। मेरे फ्रेंड पीछे है, मैं बस कच्चों की चाल पे चला चला जा रहा हूँ ना। मैं किसी को पीछे छोड़ने ही सोच रहा ना, आगे बढ़ने ही सोच रहा। मुझे बस माइंड में बाबा जी का और मेरा जो डिस्टेंस है बस वो कवर करना है। जय भोले। दो किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं चढ़ाई के। तू की चला लो बाहर। मुरादाबाद भंडारा श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद श्री अमर यातायात पर आए हुए सभी श्री भक्तों को स्वागत करता है। एंजॉय द जर्नी ब्रो। बाबा जी 9 किलोमीटर रह गया और ये झरना देखो है। थक गया क्या? चलता क्यों नहीं? मैं थक गया। पीछे धूप निकल चुकी है, यहाँ धूप निकलनी बाकी है। ये घोड़े को पानी पिला रहे भाई। चलो बोले 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 तीन किलोमीटर ही चढ़ाई हो चुकी है भाई हमारी। बाबा रह गया बस थोड़ा सा पास, हिम्मत नहीं आ रही, चलते रहेंगे। जय बोले ये पॉइंट बखते पूरा नीचे जा रहा भाई, ऊपर से आ रहा बाबा बर्फानी के वहीं से। इन कहा गया यार बाबा जी इस बार जल्दी जल्दी समाधि लेने वाले हैं क्योंकि
इस बार गर्मी इतनी है कि बाबा जी जल्दी से पिघल रहे हैं। हिम्मत से काम लो, महादेव का नाम लो। स्टोर पे भी हम हैं, वो हमें ब्राइट टोपी का लेके जा रहा है, वो चढ़ाई पूरी कैडी है भाई। तो अपनी प्रैक्टिस 2 महीने से पहले करके आना है पार्क वगैरह में, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। उस वाले टॉप पे वहां तक एक टॉप शायद मैं खो चुका हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बंदे कहाँ पे हैं। अब तो पापा के पास जाके रुकना पड़ेगा यार। रास्ता पहले से काफी अच्छा कर दिया बस। इतना मस्त व्यू आ रहा है यार, गजब। वहां पे धूप आ चुकी है जहां जहां से मैं आ रहा हूँ। अभी काली माँ का मंदिर आएगा, वो मेरा पॉइंट है। असली भोले नंगे पैर चले जा रहे हैं यार, क्या बात है। हमारे ताऊ ताई ने भाई पूरी हिम्मत मार रखी, क्या बात है। कैसा रहा यहाँ से यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद पूर्वक रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आगे भी ऐसी रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बाबा साथ है, राधे राधे, बाबा साथ है भाई। इनकी हिम्मत देख कर तो हमें हिम्मत आ रही। धूप ने पकड़ लिया है मुझे, सवाल हो रहा है। वो करीब आधा तो काम पूरा कर दिया हमने। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसी पहलगाम दिखता, ऐसी यहाँ दिख रहा है पहलगाम के नजारे हैं मस्त।
रुकना मना है, यहाँ पहाड़ टूटते रहते भाई, यहाँ पे खड़े ही मत हो। अभी जस्ट पहाड़ टूटता हो देखा, भाग के पार करा, इनके नीचे मत खड़े हो, धीरे धीरे आगे चलते रहना। जय बोले भाई, मुझे ही बोल रहे थे। तो ना तू लाइन में जा रहे होते हो वहां तक, गवर्नमेंट ने इस बार यात्रियों के लिए काफी अच्छी सुविधा करी है। यहाँ की चढ़ी की चढ़ भाई, मेरे भाई लोग पता नहीं अभी कुछ आगे कुछ पीछे है। जय डमरू वाले की। ये घोड़ो का फकोली बाजार। फकोली बाजार से घोड़ो का रास्ता अलग और वैसा रास्ता अलग, और यहाँ से रास्ता छोटा है, बहुत छोटा। ये देखो यहाँ से रास्ता बहुत छोटा है। ये आ गया भाई व्यू पॉइंट, ये है पूरा व्यू पॉइंट। वाह यार, इससे अच्छा व्यू कहीं नहीं मिल सकता। दसवें दसवें व्यू भी भाई, मजा आ गया। ऐसा व्यू देखने के बाद सारी थकान उतर गई। बहुत बढ़िया भी है, बहुत बढ़िया। और बोले बस आनंद है, आनंद आनंद है, बस बोले गया संगी है यार। भाई मिले मुझे, इन्होंने मेरी फोटो ली है यार, इनके साथ एक छोटा सा व्लॉग। कैसा रहा सर आपका सफर? मजे आ रहे हैं अभी तो। हाँ मजे आ रहे हैं। सोलो है? नहीं नहीं दोस्त है मेरे, पीछे आ रहे हैं। पीछे फर्स्ट टाइम है तुम्हारा यहाँ? फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे अभी, लेकिन पहले से और यहाँ पे ना रास्ता अब बहुत ही चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा रास्ता हो गया। लेकिन भीड़ भाई, वो केदारनाथ वाली कर दी अब कसम से। केदारनाथ तो फिर भी ठीक था यार, हेलीकॉप्टर इससे ज्यादा ऊंचाई भी नहीं उड़ सकते। लग रहा है कुछ आने वाली चढ़ाई की संभावना दे रही है। धूल बहुत है भाई, और तुम मुंह पे मास्क नहीं लगा सकते। पुलिस वाले बोलते हैं, फोर्स वाले बोलते हैं कि
उस इनकम है। जैकेट वगैरह सब जी, सर दर्द हो गया हवा लग लग के, बहुत ठंडी हवा है। जैकेट वगैरह तो अपनी भाई लेके रखना, चले कुछ भी हो जाए, ग्लेशियर की हवा बहुत खतरनाक होती है। बाकी मैंने अपने दोस्तों का पता किया, एक बुराई टॉप पे है और एक थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, बाकी अभी तक तो ओके है। बाकी ये सब मैं बैठा नहीं, मैं सिर्फ चलता रहा और रुका। ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि अगर बैठ गए ना तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा बैठूंगा नहीं, खड़े रहूँगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भोले बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है, थैंक यू भोले बाबा। गुफा मेरे सामने है, जय भोले। दर्शन पता है, पापा ने मुझे इतने दर्शन दे दिए यार, मेरे कसम से बहुत भाग्यशाली हूँ कि पापा ने मुझे फिर से दर्शन करने का मौका दिया है। और मैं अपने अंदर बहुत से चेंज लाने की कोशिश करूँगा, पापा ने बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति दी है मुझे। थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है तो जल्दी थकान होगी, आराम से चलना। मेरे बाबा ये पहलगाम वाला रास्ता है, ये बालटाल का, वो चोटी पे देखो बादल, थोड़ा चलना पड़ेगा भाई, यहाँ पता जल्दी थकावट हो रही है,
सर है क्योंकि ये पूरे गंजे पहाड़ है, उनकी वजह से ओसन थोड़ी सी लो रहती है, घबराने वाली बात नहीं। संतरे वाली टोपी चूसते रहो और पानी रखो अपने पास। जय बोले, आराम से गुफा देखते ही ना यार, जी सा आ गया गुफा देखते ही, तो सारी थकावट हट गई गुफा देखते ही। के ऊपर चल रहा सब फोटो खेलते फिर रहे। बोले उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, उधर ना जाओ। बोलते सा चट रहा बगा के खड़ा हो गया, अभी तो ग्लेशियर के पानी में नहाना भी है यार। बोरंडा अमरनाथ यात्रा सेकंड बालटाल के रास्ते से, जैसे मेरी गंगोत्री की वीडियो को प्यार किया ना आपने, इसको भी ऐसे प्यार करना यार। मेरे भाई नहीं दिख रहे यार अभी तक, आराम से चल रहा हूँ। रीता मांडे करनाल मंडारे के पास आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय बोले। बच गया, पेट पीछे कर रहे हैं।
ओए होए कितने घोड़े, ये देखो भाई घोड़े 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 घोड़े, इसको ही संगम चौक बोलते हैं। वो लोग है अपने, मेरा ग्रुप आ रहा है काली माता मंदिर के पास से और मैं यहाँ पे हूँ और एक अच्छी जगह देख के ना उनको कॉल करूँगा और वहीं पे स्टे करूँगा, ठीक है, ताकि वो वहीं पे मेरे को पकड़ ले। बाबा जी यार अकेले नाना पड़ेगा। ग्लेशियर का पानी है, किसी ने हमें रुक के आनी पड़ेगी। बाबा का मुख हो रहा और नहीं हो रहा, जिगरा जिगरा भूलो। और भाई रेडी है दर्शन के लिए बाबा जी के, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रह गया है और 2 घंटे लगेंगे बस काम खत्म। 3 बजे तक निकलने गए यहाँ से बिल्कुल। यहीं से पानी होके जा रहा है नीचे, तुम्हारा भाई इसी में आया था। जय बोले और उस टाइम बाबा जी के इतने पास था, बाबा जी के सामने मौसम तो खतरनाक हो रहा भी लग रही है भाई। ईसा पानी येलो कैप है, पंचकुला सूचना केंद्र पर पहुंचे जल्दी जल्दी। अविनाश चाबी चाहिए, 5 नंबर क्लॉक रूम पे पहुंचे। तमाम सारी करा लिए, जल्दी रहा अस्पताल को आ, मेरे को आंटी को देखो। बहुत भीड़ है यार, चाटे वाला जितने भी है सूचना केंद्र पर आ बड़ा बड़े रूम हो जाएगा। मैं किधर मैं किधर बात करना, ये सर छोड़ते नहीं सर।
खो चुके हैं मैं, आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुका हूँ। पाँच पाँच घंटे में नंबर आ रहे हैं, इतनी भीड़ है अपने यहाँ, क्यों कर रखी है भीड़? पाँच पाँच घंटे में नंबर आ रहे हैं। हाँ, समझ नहीं आना क्या करूँ। मैंने अभी कॉल करके किसी के थ्रू कॉल के बात करी भाई को कि वो मुझे आपको बुला रहा है, वो मुझे कह रहे हैं कि वो 1.5 किलोमीटर आएगा, आधा एक घंटा लग जाएगा भाई को आने में। बस अब उसी का वेट करना पड़ेगा यार। बाकी बड़ा बुरा हाल हो रहा है भाई, कोई है ही नहीं, अकेला पड़ा हूँ। अब भाई और मैं, भाई को बुलाया ज़बरदस्ती, देखते कैसे आता भाई मेरा। बस एक बार मिल जाए ना बंदे, थोड़ा अच्छा सा हो जाए। अब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है यार, कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ फिलहाल, अभी कोई नहीं दिख रहा। रोने का मन कर रहा है यार, मेरा भाई मिले है यार। अभी मेरा एक भाई और रह गया है, हमारी सारी जो भी थी चारा चोरी सब खींच चुकी है। अब हमने 2-3 को दर्शन करने के लिए भेजा हुआ है, हम उनका वेट कर रहे हैं, और हम अभी एक अपने भाई का वेट कर रहे हैं, वो आता है तो उसके बाद देखते हमारा क्या प्लान होगा। बाकी आगे पापा की मर्जी भाई, उसने यहाँ तक भी दिखाया तो काफ़ी अच्छा दिखाया। बस पापा जी, लव यू पापा जी। Just a second. Jai Kar Mahadev. Jai. Ab dhol bajenge dhol.
दोस्तों हम आ चुके हैं टूरिस्ट रेस्टिंग क्लोक रूम में, यहाँ पे अपना सामान जमा कर रहे हैं और इसके बाद हम वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। ये मेरा सारा ग्रुप, ये हमारे संतोष जी, ये मेरा पूरा ग्रुप, सब पैकिंग कर रहे हैं, मैं ही पैकिंग कर रहा हूँ। बाय। यहाँ पे आके आप हमारे घर 24 घंटे 30 रुपये प्रति बैग जमा कर सकते हैं। इससे आपको कोई होटल नहीं खरीदना पड़ेगा और आपका कम बजट में काम हो जाएगा। ये बस स्टैंड के पास ही है। ये मेरी टीम रेस्टिंग करते हुए। जे एंड के टूरिज्म देव कॉरपोरेशन होटल सिटी एजेंसी, यहाँ पे क्लोक रूम है और काफ़ी अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं IFDB कार्ड बनाने के लिए। ये यहाँ तो मेरी बाबा भैरव अमरनाथ से लेके माता वैष्णो से लेके भैरव अब्बा तक। जय माता दी, जय माता दी। IFDB कार्ड बन चुका है यात्रा के लिए, ये बहुत ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए। मेरी टीम भी पूरी तैयार है, आ जाओ। इतने रेट बड़े हुए मतलब कि कोई हद ही नहीं है। मतलब कि कोई यहाँ पे यात्रा करने आया है, बस लूट लो भाई साहब, यही चल रहा है यहाँ पे। अब हम पैदल ही जाना थोड़ा सही रहेगा, पैदल ही जा रहे हैं हम। बहुत दिन बैठ बैठ के जा रहे हैं, बस क्या करें, अब यही हमें जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। मैंने बोला सुट्टा ना सही। यात्रा स्टार्ट है, यहाँ से हम लेके छड़ी ला। यहाँ से हमारी एंट्री है यार। छड़ी का क्या करना, छड़ी का लाठी ले लो भैया। यहाँ से लाइन स्टार्ट है। मैं आपको यात्रा वैसे दूसरी बार करा रहा हूँ, लेकिन ये यात्रा इसलिए स्पेशल क्योंकि मैं अमरनाथ बाबा से होके अब दोबारा माता वैष्णो का एक साथ ट्रैक कर रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है और जम्मू एंड कश्मीर में अब किसी भी प्रकार की नशा और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दे भाई चीज़ को। 20 रुपये की 10 रुपये की वापस ले लें। अभी बार बार आपका भाई आज बहुत मुश्किल टास्क याद कर रहा हूँ। क्यों, हमें रात तक ऊपर पहुँचना है। क्यों क्यों मुश्किल टास्क क्यों है तुम्हारा आज? हम कल ही अमरनाथ से आए हैं और आज वैष्णो माता की ट्राई कर रहे हैं। अभी 12 घंटे ट्रैवल करके आए और अभी 12 घंटे ट्रैवल करके आए हैं और कुछ रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया आप लोगों ने? रेस्ट नहीं, सिर्फ सामान हमने लोकल में जमा कराया हाँ और डायरेक्ट कार्ड बनवा के और डायरेक्ट चढ़ाई स्टार्ट। क्या बड़ी हिम्मत मारी तुम लोगों ने तो यार, सब बोले की कृपा है, सब माता का आशीर्वाद है। अब माता का आशीर्वाद है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। Hey!
उमस बहुत है यहाँ पे, कल बारिश पड़ी थी उसकी वजह से ना, हाल देख लो पूरा गीला, बहुत उमस है, चलते ही पसीने पसीने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा है देख लो, पसीने पसीने आ जा रहे चलते चलते ही, कुछ ज़्यादा ही पसीने आ रहे हैं। वैसे अमरनाथ से चढ़ाई करके आया हूँ मैं, कुछ फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उमस मेरे को लग रहा है कि उमस मुझे हाँ फंसाने की कोशिश कर रही है, पर मेरे साथ पापा जी और माता जी दोनों जी है। दर्शन तो मैंने पहले भी कराया आपको प्रथम दर्शन मंदिर श्री चंड पादुका के, लेकिन ये दर्शन अलग इसलिए है क्योंकि ये मैं दर्शन आपको अमरनाथ से होके दिखा रहा हूँ। किसका टीम, किसका वेट कर रहे हो? मेरी टीम हमारा ही। यू आर टू स्लो बड़ी। अरे यार देखो भाई, कहा था ना जब वो सामने आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि तुम सही हो। बादल एक पहाड़ भी नहीं दिख रहे, बादल के उससे भाई सब पहाड़ गायब लग रहे हैं भाई बादल के पीछे। आजा बोले, थोड़ा खाना नहीं खाना वो यहाँ पे बीकानेर वाला भी उपलब्ध है, और अर्धकुंवारी में तो बहुत से ब्रांडेड रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, चॉइस अपनी अपनी, पर मैं तो स्टैंड बोर्ड का खाता हूँ, अभी यम्मी होता है यार, मज़ा आता है। बाकी ये बाज़ार आपके साथ साथ जो चल रहा है ये वैष्णो देवी का बाज़ार है। जय माता दी, 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 जय माता दी। चल लेना उमस वाले दिन में कभी कुछ मनाना, वो मौसम देखो ऊपर बिल्कुल धुआं धुआं, पहाड़ दिख नहीं रहे। बहुत उमस है भाई, सब कुछ गीला हो चुका है, बहुत बेकार, इतना लाल मौसम, बारिश पड़ रही है धीमी धीमी, उमस भी है, हवा भी नहीं चल रही। बादल ही बादल, इतने बादलों के बीच है यार, और हवा हवा बिल्कुल नहीं है इस बार यार, मैं इतनी मतलब चढ़ाई की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं बादल ट्रैक पे आ गए हैं सारे, कोई ध्यान दे रहा मेरे स्पेस पे, बार बार धुंधली धुंधली आ रही है। फिलहाल इतनी मतलब की चढ़ाई पार करके हम लोग अर्धकुंवारी तो पहुंच गए हैं, यहाँ पे हम देखते कुछ रहने वहने कोई जुगाड़ है नहीं है, रहने का जुगाड़ हुआ तो मैं यहीं सो जाऊँगा और कल मॉर्निंग दर्शन करूँगा। अर्धकुंवारी की मार्केट स्टार्ट हो गई, मैगटी वैगटी पेड़े वगैरह सब है यहाँ। क्या लिया तूने यार? ये सैंडविच लिया है, देखो जितनी भाप ऊपर है ये देखो, जितनी ह्यूमिडिटी हो रही है इतनी तो साली इसमें से निकल रही है अभी। अभी देखो चिली पनीर सैंडविच है, खा के बताएं टेस्ट आता है। और ये इधर से दुकान का भाई जीप जली जली, हाँ जरूर जली है इसको पकड़ने में तो।
फीका फीका है पता ही अभी बीच में नोटिस बीच में क्या बात है हीरो राजमा चावल थे हम भाई अभी खा रहे हैं और हमारे भाई लोग पीछे भी आने वाले हैं बस वो ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे कड़ी चावल और राजमा चावल का लंगर लगा दिया है हर दुकान में क्या स्किल लगा रखी है भाई क्या बात है जय माता दी यार ऐसी अमरनाथ होती है ना ये काफी अच्छी स्किल लगाई है यहाँ पे खाना खाते खाते हम ना यहाँ पे अपनी पानी की बोतल भूल गए वहीं भोजनालय में माता के दर्शन में माता की आरती हो रही है अभी 8:30 के करीब वैष्णो देवी के पास कोई भी इनका सोने के लिए कोई भी वो नहीं है जगह तो हमारे भक्त जोन यहाँ पे कहीं भी चद्दर बिछा के कहीं भी सो रहे हैं क्या होगा रे गाड़ी पार कर चुके हैं सुबह दर्शन होने में बस दर्शन हो जाएगा हमें माता के क्योंकि मैं चाहता हूँ सुबह दर्शन करूँ सुबह दर्शन करने में फायदा है क्योंकि नहा धो के फ्रेश होके माता के दर्शन हो जाएंगे फिर भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे अभी देखते हैं यहाँ पे कोई रूम मिलता है क्या सोने के लिए सिर्फ 3-4 घंटे की नींद चाहिए यार की जय पौड़ी पौड़ी चढ़ते आओ एक मिनट यार यहाँ से तो नहीं आएगा यार यहाँ से नहीं आएगा यहाँ से काफी सुंदर भवन हो गया भाई ओए अंकित किधर गया ये भाई अंकित ये अंकित क्या भवन है भाई क्या भवन है मजा आ गया जय माता दी चला मैं तेरी फोटो लूँ फोटो खिंचवाने दो जा खड़ा फटाफट खड़ा इसकी फोटो खींचते वीडियो वीडियो बनानी है क्या क्या करना है वीडियो चल रही है इसमें हटाऊँ या नहीं हटा दे चल मजा आ गया यार ये क्या माता दी पहुंच चुका हूँ मैं भवन पे आज रात रेस्ट करने की कोशिश करूँगा वैष्णो गौरी भवन पे कमरे किराए पे वहीं पे मैं जाके रेस्ट करूँगा यार नींद बहुत है यार ये आती सुविधा है जय माता दी कहीं जहीं जहाँ से भी ले लो वहीं से मस्त है माता की फोटो करो ये रही हमारी माता जय माता दी अमरनाथ से लेके माता तक की यात्रा मैं सिर्फ आपके लिए ले गया हूँ एक साथ जय माता दी जय माता दी जय माता दी मिल नहीं रही हम तो यहीं पड़े हैं रास्ते पर ये मेरा ग्रुप है
हम लोग ऐसे ही सो रहे हैं बस। सारे भक्त में आ रहे, सारे यात्री रेस्ट कर रहे हैं, कल जाके यात्रा करेंगे। दर्शन करके तो आ चुका हूँ मैं, दर्शन करके आ चुका हूँ। माता के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, खुला था और बारिश पड़ रही थी बहुत तेज। फिलहाल मैं आपको बस एक व्यू दिखाने आया हूँ, ये देखना माता का। मौसम बहुत खतरनाक हो रखा है, ये देखो ऊपर बादल, नीचे माता। अभी जस्ट बहुत तेज बारिश पड़ी थी भाई, मज़ा आ गया। ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा, मस्त बारिश पड़े जा रही है वो बादल अपने रोपे पता नहीं चली जा रही है। जिंदगी के जगह ये पूरा रोपे का बना हुआ है। जय माता दी। बारिश के मौसम में माता के दर्शन। अभी जब रोपे स्टार्ट होगी तो मेरे को जाना पड़ेगा घर बाबा के पास, और उसके बाद पूरी वीडियो वहाँ पे बनेगी। हम कहाँ पे सो रहे थे, ये हम कहाँ पे सो रहे थे, रात को वहीं पे सो गए थे। नींद आ रही थी, जहाँ जगह मिली वहीं पड़ के सो गए। खत्म, रोपे की लाइन लगनी स्टार्ट हो गया। ये रोपे के साथ में है, बस यहीं पे हमने सोने को बैठ गया था। फिर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कहाँ दोस्तों, यहाँ पे खुला है नया दुर्गा वो। क्या बात है भाई, ये नया दुर्गा भवन है, इस साइड से जाना है। स्काई वॉक, क्या बात है। चलो क्या क्या मस्त बन गया भाई, काफ़ी अच्छा व्यू है माता के न्यू दरबार का। बादल ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं भाई, और ये जैसे ऊपर आए वैसी बारिश है। व्यू देख रहे हैं, है पल पल, कभी धूप कभी बादल कभी बारिश, हर 5 मिनट का मौसम चेंज। आपके सामने है ये लैंड रोपवे की है। अभी तुम्हारा भाई डोनेशन करके आया यार, गुप्त डोनेशन बोलते थे, गुप्त डोनेशन, गुप्त डोनेशन। देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, देखो हम बादलों में हैं, हम बादलों में हैं। देखो माता का भवन भी नहीं चमक रहा है, इधर ही है पास में ही, बिल्कुल सामने माता का भवन है। और रात 2 बजे से बारिश पड़ रही है और बादल हट ही नहीं हुए हैं, और हमें रोड पे जाना है, देखते हैं कैसा होता है, और हमें उतरना भी है और 11 बजे की ट्रेन भी है। कल रात कौन से डिलक्स रूम में सोए थे? जय माता दी। कल रात कौन से डिलक्स रूम में सोए थे? हम सोए थे धरती में सोए थे, यहाँ कोई जगह, हम धरती पे सोए थे जी, यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। अब देखी जाए क्या होता है, चलो अब देखते हैं बाबा जी क्या बोलते हैं। रोपवे पर हम करने जा रहे हैं भैरव के दर्शन, और वहाँ पे हम फुल 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 एंजॉय करने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। लाइन है नहीं है बिल्कुल भी, सारे जा चुके जो भी लाइन लगी हुई थी, अब कोई लाइन नहीं है। ये रोपवे का माहौल है,
रेपे नहीं रोपे सॉरी। हमने ऑनलाइन टिकट ली थी इसलिए हम बिना उसके जा रहे हैं। चलो 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 बड़ा चलो 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 भाई चलो 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 भाई रोपे दिखाएं तो मैं आ जाऊँ। कहाँ दिखाएगा बादलों में यार। मेरी टीम कैसी हो? बढ़िया। वो कहाँ है? टीम में चक्के गोल है। अपना एक और कहाँ है भाई? अरे भाई उसमें लिखा हुआ है भैया दीपक सर बोलो मत बिल्कुल भी। जय माता दी। कभी शोर ना करे कृपा शांति बनाए रखे। सिर्फ दो मिनट में भैरव बाबा के पास पहुंच जाएंगे हम। भैरव बाबा के हम दर पे आ चुके हैं और अब प्रसाद लेके इनके दर्शन करके हम जाएंगे कोटरा। भीड़ वैसे एक बात यार रोज ने भीड़ भीड़ बहुत रखी है। यह है गवर्नमेंट की भेंट शॉप। यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा और वो लगी हुई है लाइन। अरे भाई लाइन में लगाओ लाइन में। यहाँ पे भी आगे धक्का मुक्की कर रहे हैं लाइन नहीं लगाते ऐसे थोड़ी लग जाएगा प्रसाद भाई। लाइन में लाइन में भीड़ है भाई। भैरों की भीड़ है काफी खतरनाक। माता वैष्णो देवी से भी क्योंकि शायद अभी मंदिर नहीं खुला और बादल की वजह से कुछ भी अच्छा व्यू नहीं आ पाएगा दोस्तों सॉरी। ये पूरी भीड़ रुके हुए भैरों बाबा में क्या करने का भी आया मतलब माता वैष्णो जी को फेर कर दे इस वाली भीड़ ने तो आई थिंक अमरनाथ वाली भी। पंडित जी ने आए थे क्या लग रहा अभी तभी हाल है दर्शन कर रहे तो आराम से दर्शन कर रहे तो आराम से बोलना ठीक है। मन में जयकारे लगाया बस सीधी से व्यू भी नहीं है हो चुके भाई साहब आपने सुना ही होगा। वाह क्या व्यू है व्यू भी नहीं है। चलो अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ना। खड़ा है कौन वो खड़ा भाई ये नीचे रख ले भाई एक सेल्फी ले लेंगे क्या दिक्कत है। ओ बेटा बेटा जय भैरव जय भैरव जय भैरव। आगे से भेंट करेंगे ये बाबा जी की विभूति के अंदर जो चुके हैं लेकिन यहाँ पे व्यू पॉइंट में कुछ भी व्यू नहीं आएगा प्रो क्योंकि यहाँ पे बादल ही बादल है और बादल के अंदर महादेव और बादल के अंदर सब पागल है। ये देखो कुछ भी है ही नहीं कुछ भी नहीं है। ये देखो डिस्प्ले यहाँ पे भी लगा दिया भाई क्या बात है यार मजा आ गया। हाय हाय माता की दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं आरती के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की गुफा जिसके नीचे कर ले। अरे भाई रुक जा ये जब तो रुका हुआ था अविनाश कट टू कट हो चुके कट टू कट।
भाई अब ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी टीम मेरे पीछे पीछे चल रही है। अब ये जो मेरा व्लॉग था वो था अमरनाथ से लेके वैष्णो देवी तक का। अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते क्या होता है। देता हूँ, बाय। जय माता दी, जय भैरव, जय महादेव। अब पहले थी ऐसा, तूने क्या देख लिया इसमें ऐसा? मेरे भी करवा दी टी जैसे भी मैं अंदर घुसूं। क्या मगर मेरे भी टी करवा दी। कौन दिखा रहा? अविनाश दिखाओगे ना इस बार? अविनाश अविनाश दिखा रहा है क्या? पांच आदमी है। बाय दोस्तों।